पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी उपस्थित हो गए हैं। जोरदार ताली बजाकर हमारे शिवराज जी का स्वागत करें। मैं बोलता हूँ, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। आंधी नहीं तूफान है, देखिए लूट मची है सरकार में। ये गिट्टी लूट रहे हैं, ये रेत लूट रहे हैं, ये खनिज लूट रहे हैं, ये शराब की नदियां बहा रहे हैं, ये कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं, ये बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे रहे, ये ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लूट रहे हैं, ये बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं दे रहे, ये माताओं बहनों को प्रसूति का पैसा नहीं दे रहे, ये एक्सीडेंट पर मौत पर राशि नहीं दे रहे, ये कन्या विवाह के बाद जो राशि बेटी के खाते में जाना चाहिए वो खाते में नहीं डाल रहे, ये अंतिम संस्कार की राशि नहीं दे रहे, किसान तबाह और बर्बाद हो गया, ये फसल का मुआवजा नहीं दे रहे, कर्जा माफ तो किया नहीं, बोनस नहीं दे रहे। चारों तरफ तबाही मची है और लूट मची है, कौन के पास कितना हिस्सा जाए। और अगर कोई आवाज उठाता है तो उमंग सिंगार के खिलाफ, आज घर पे कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, पुतले जलाए। उमंग ने अगर बोला, एक आदिवासी नेता बोल रहा है, तो क्या उसके पुतले जलाए जाएंगे, उसको अपशब्द किए जाए, अपशब्द कहे जाएंगे, क्या भोपाल में डराने की कोशिश होगी? ये कांग्रेस में तो कुछ भी चल रहा है, मुझे कांग्रेस की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है मध्य प्रदेश की। ये मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, कांग्रेस का जो हो सोनिया गांधी जाने, लेकिन प्रदेश की तबाही में लगी हुई इस कांग्रेस से अब निजात मिले, ये हम लोगों का संकल्प है। अंतर विरोध थोड़ी, बाहर विरोध है, अंतर थोड़ी है, सब बाहर ही चल रहा है। कोई ग्वालियर में बोल रहा है, कोई भोपाल में बोल रहा है, कोई धार झाबुआ में बोल रहा है, काय का अंतर विरोध, सारी की है सामने, कौन सरकार चला रहा है, ये साफ होना चाहिए। और मैडम सोनिया गांधी, आपको साफ करना चाहिए कौन असली मुख्यमंत्री है, किसके हाथ में सत्ता के सूत्र है, और अवैधानिक रूप से कौन सरकार को प्रभावित कर रहा है। अब ये उनका झगड़ा वो जाने, कम से कम प्रदेश की जनता को तो बख्शे। और जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है 10 तारीख को शंखनाद होगा, 11 तारीख को शंखनाद होगा, और उसके बाद जहां जैसे आंदोलन की जरूरत पड़ेगी पार्टी करेगी।